अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल को आसान करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी कमीज के चाक के ये कॉर्नर्स को कैसे बहुत आसानी के साथ लॉक कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और ऐसे ही कमीज को स्टिच कर लेते हैं, और हमारी कमीज अक्सर ये कॉर्नर जो है वो फट जाते हैं। अगर कोई बच्चा पीछे से खींच ले या फिर किसी चीज में अटक जाए हमारी कमीज, या फिर बैठे हुए हम उठते हैं तो किसी के नीचे आ जाए कोई पल्लू, तो हमारे कॉर्नर्स अक्सर ये फट जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप अपनी कमीज को स्टिच करें तो अपने कॉर्नर्स को इस तरीके से लॉक कर लें, तो आपको इस मुश्किल का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपनी जो चाक है इसको अभी डबल फोल्ड नहीं किया है और मैंने यहाँ पे पलटा लगाया है किसी दूसरे कलर का। और अगर आपको पलटा नहीं लगाना तो आपको सिंपल जितना डबल फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा हुआ होता है उसको डबल फोल्ड, उसको सिंगल फोल्ड कर देना है, क्रीज लगा लेनी है आयरन के साथ बहुत अच्छे से। और उसके बाद ये जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है और यहाँ पे हमने इसको लॉक करना है, और किस तरीके से लॉक करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है मैचिंग आपकी अपनी कमीज के साथ, उसकी इतनी ही चौड़ाई ले लेनी है जितनी आपकी ऊपर से इसकी चाक के कपड़े की होगी, उसको कट कर लेना है। और मैंने यहाँ देखें इतनी चौड़ाई ली है इसकी, और इसकी मजीद जो जो मैंने इसको इसकी जो चौड़ा रखा है और तकरीबन 1.5 इंच जितना रखा है, और इसको इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और मजीद इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसकी क्रीज लगा लेंगे। इतनी छोटी सी पट्टी आपने रेडी कर लेनी है दोनों चाक के लिए सेम इसी तरीके से। अब हमने इसको इस तरीके से किस तरीके से इस जगह पे लगाना है वो मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसानी के साथ आपको इस वीडियो में लगा के दिखाऊंगी, और सेम उसी को फॉलो करते हुए आपने लगानी है तो आपकी ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएगी। सबसे पहले इसको इस तरीके से हमने जो क्रीज लगाई थी उसकी सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। उसके बाद अब हमने इसको अटैच करना है। यहाँ पे देखिए मैंने पलटा लगाया है, जरूरी नहीं है कि आप भी दूसरे कलर का पलटा लगाएं तभी आप इसको लॉक कर सकते हैं। आपने सिंपली जितना आपने डबल फोल्डिंग के लिए कपड़ा बचाया होता है उसकी क्रीज लगा लेनी है बाहर की तरफ फोल्ड करके। उसके बाद यहाँ देखिए इतना सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए बिल्कुल ये जो पलटा है इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, कमीज के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, ये जो आपने फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा होगा इसके ऊपर लगानी है इस पट्टी को इस तरीके से रखते हुए, और बिल्कुल जहां तक आपकी क्रीज लगी हुई होगी वहां तक आपने इसकी सिलाई लेके जानी है और फिर इसको मोड़ लेना है। यहां पे देखें इस तरीके से मैं इसको मोड़ लूंगी। कॉर्नर में आपने देख लेना है कि आपको कितना दिखाना है बाहर की साइड पे, उतना आपने नीचे की तरफ बढ़ा के रखना है। मैं बहुत ज्यादा बाहर की तरफ नहीं बढ़ाऊंगी, बिल्कुल जरा सा बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद कॉर्नर से एक अंदर लगा हुआ लॉक को दिखाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मेरे जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से लॉक हो जाएं, बेशक वो कपड़ा अंदर ही अंदर रहे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पलटे के ऊपर मैंने लगाई, अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से लगाऊंगी। याद रहे कि मेरी सिलाई कमीज के ऊपर नहीं आई, ये जो फोल्डिंग का कपड़ा हमने रखा था इसके ऊपर हम लोगों ने इसको स्टिच करना है। यहाँ पे देखिए सेम इसकी सिलाई भी वहां तक लगा लेनी है जहां तक आपकी क्रीज होगी, और इसको भी इस तरीके से मोड़ के वापस सिलाई हमने दूसरी तरफ से ले जानी है। ये देखें यहाँ पे हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है, और ये देखें पट्टी यहाँ पे अटैच कर ली है। बस यही इसकी बहुत आसान ट्रिक थी कि आपको ये पट्टी किस तरीके से लगानी है कि कमीज के ऊपर सिलाई बिल्कुल ना आए और हमारा जो कॉर्नर है वो अच्छे से लॉक भी हो जाए। ये देखिए इन पट्टियों के ऊपर ही मैंने सिलाई लगाई है इसकी, और इस तरीके से ये देखें सीधी साइड पे कुछ इस तरीके से लुक आया है, कमीज के ऊपर सिलाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही और ये जो कॉर्नर है मेरा बहुत ही अच्छे से लॉक हो गया है। अब आप कुछ भी कर लें ये शर्ट जो है इसके कॉर्नर्स जो आपके हैं वो बिल्कुल नहीं फटेंगे। ये मैंने बहुत ही ईजी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर की है और मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है आप लोगों को। और इस तरीके से बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको इस तरीके से फोल्ड करके आपने स्टिच करना है, स्टिच कर लें। अगर हेमिंग करनी है तुरपाई करनी है वो भी कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखिए लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा ये मेरी इजी सी ट्रिक आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी जरूर जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।
नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ भी हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।